महिला कर्मचारी की विदाई समारोह में शिरकत करने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्रकारों से वार्ता की है और उन्होंने देश में चल रहे कई मुद्दों पर बड़े बयान दिए हैं। आइए आपको दिखाते हैं किस तरीके से उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब दिया है। जिला स्वास्थ्य समन्वय अधिकारी पुष्पा राघव के रिटायर होने के बाद विदाई समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर शिवराज सिंह चौहान ने यहां विदाई समारोह में प्रतिभाग किया, क्योंकि पुष्पा राघव भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की महिला जिला अध्यक्ष भी है। इसी के चलते राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको विदाई समारोह में शिरकत करते हुए उनके इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद जब वह मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया। पत्रकारों द्वारा अग्निपथ योजना के दौरान हुए उपद्रव के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि वह और उनका संगठन ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं है जो आगजनी, पत्थरबाजी, दंगा फसाद और तमाम तरीके के उपद्रव करता है। ऐसे सभी लोगों का उनका संगठन विरोध करता है। अग्निपथ पे जो युवाओं ने किया है मैं उससे सहमत नहीं हूँ। हम जो आंदोलन करते हैं गांधीवादी तरीके से करते हैं, हमारा मौलिक अधिकार है अपने लिए आवाज उठाना, लेकिन आगजनी करना, तोड़फोड़ करना, राष्ट्रीय धरोहर को नुकसान पहुंचाना, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, पथराव करना या आम जनता के साथ दुर्व्यवहार करना, इससे भारतीय किसान लोक शक्ति किसी भी कीमत पर सहमत नहीं है, हम उसको सपोर्ट नहीं करते। वहीं उदयपुर की घटना को लेकर उन्होंने कहा कि उदयपुर की घटना बेहद निंदनीय है, न्यायालय को फास्ट कोर्ट चलाते हुए जल्द से जल्द कन्हैयालाल साहू के हत्यारों को फांसी की सजा देनी चाहिए। राजस्थान में जो उदयपुर की घटना हुई है बहुत निंदनीय घटना है। ये एक किस्म से असामाजिक तत्व होते हैं, ऐसे तत्वों को तत्काल प्रभाव से, क्योंकि वो गिरफ्तार हो गए और जज के हाथ में मामला चला गया, तत्काल प्रभाव से फास्ट कोर्ट चला करके इनकी फांसी की सजा होनी चाहिए। वहीं उन्होंने बिजली कटौती और बिजली बिल को लेकर बताया है कि बिजली कटौती किसानों के लिए एक बड़ी समस्या है, जिससे किसान अपने खेतों की सिंचाई नहीं कर पा रहे। साथ ही उन्होंने मीटर रीडिंग के बारे में बताया कि चाइना मेड मीटर लगाए जा रहे हैं जिनकी रीडिंग बेहद तेज है। उन्होंने यह भी बताया है कि उन्होंने ऐसे मीटर को भी चेक कराया है जिसमें किसी भी तरीके की विद्युत आपूर्ति नहीं थी, लेकिन मीटर रीडिंग बराबर दे रहा था। बिजली के बिल में संज्ञान में आया है कि उत्तर प्रदेश सरकार कम करने की बात कर रही है, लेकिन अभी एक तो इन्होंने जो मीटर लगाए हैं ये चाइना मेकर मीटर हैं, किसानों की ट्यूबवेल पे भी लगाए हैं और घरों पे भी मीटर लगाए हैं। मैंने तो कितने मीटरों को ऐसा देखा है कि उनको कनेक्शन भी हटा दिया जाए जब भी चालू हो गए। ये कई मीटरों को चेक करवाया हमने, उनके सारे कनेक्शन हटा दिए गए और मीटर दौड़ रहा है। तो चाइना मेकर मीटर हैं, बहुत ज़्यादा इनकी रीडिंग आती है, इनको हटाएं, मीटर लगाने हैं तो सही लगाएं, नहीं तो मीटर खत्म करें। गांव देहात में चूंकि हमारी मासिक इनकम इतनी नहीं है जितना बिल उस पर आ जाता है, घर का भी और किसान के लिए भी जो खेती का है, इस पर माननीय योगी जी विचार करें और विद्युत बिल को तत्काल प्रभाव से कम करें। हिंदूवादी संगठनों ने वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश की मुखिया योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ भी की है और उनका धन्यवाद भी किया है। उन्होंने बताया है कि उन्होंने खेतों की जानकारी होने के लिए जिस तरीके से खतौनी बनाई जाती है, वैसे ही घरों की जानकारी होने के लिए घरौनी बनाए जाने की बात और मांग सपा सरकार में रखी थी, लेकिन तब से लेकर आखिरकार अब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र सरकार के निर्देशन पर इसको एक नई योजना बनाकर पूरा किया गया है। उन्होंने और क्या कुछ बताया है यह जरा आप भी सुनिए। हमने अखिलेश सरकार में एक मांग की थी कि जैसे खेतों की खतौनी होती है उसी प्रकार घरों की घरौनी बनाई जाए। 7 साल लगभग इस मांग को मेरे द्वारा उठाए हुए हो गया था और माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी ने एक स्वामित्व योजना के नाम पर गांव में हर घरों की आज घरौनी तैयार हो रही है, पूरे देश में लागू हो गई है। ये भारतीय किसान लोक शक्ति की बड़ी उपलब्धि है। इसके माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने भारतीय किसान यूनियन की एक राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी मांग पूरी की, जिससे गाँवों के घरों के जो लड़ाई झगड़े थे सारे विवाद खत्म हो गए और सबको अपना मालिकाना हक मिल गया।